नमस्कार प्यारे दर्शकों, इस वीडियो में बताएंगे कब रखा जाएगा आमल की एकादशी व्रत, जाने तिथि, मुहूर्त और महत्व। आमल की एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। इस बार आमल की एकादशी 3 मार्च 2023 शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। बता दें कि आमल की एकादशी को आमवली एकादशी व रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और आमवले के पेड़ की पूजा का विधान है। कहा जाता है कि इस दिन विष्णु जी को आंवला अर्पित करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मुहूर्त और आमल की एकादशी का मुहूर्त। फाल्गुन की आमल की एकादशी का व्रत 3 मार्च 2023 शुक्रवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी तिथि की शुरुआत 2 मार्च 2023 सुबह 6:39 से होगी और एकादशी तिथि का समापन 3 मार्च 2023 को सुबह 9:12 पर होगा। चूंकि उदया तिथि मान्य होती है, इसलिए आमल की एकादशी का व्रत 3 मार्च को रखा जाएगा। आमल की एकादशी व्रत पारण समय 4 मार्च 2023 सुबह 6:48 से सुबह 9:09 तक। आमल की एकादशी पूजा विधि। आमल की एकादशी के दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। फिर आंवले का फल भगवान विष्णु को प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। आंवले के वृक्ष का धूप, दीप, चंदन, रोली, पुष्प, अक्षत आदि से पूजन कर किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगले दिन स्नान कर भगवान विष्णु के पूजन के बाद ब्राह्मण को कलश, वस्त्र और आंवला आदि का दान करना चाहिए। इसके बाद भोजन ग्रहण कर व्रत खोलना चाहिए। आमल की एकादशी व्रत महत्व। ऐसा माना जाता है कि आंवले को भगवान विष्णु ने वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। साल में ये एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसमें विष्णु जी के अलावा भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। इस दिन भगवान शिव के गण शंकर पार्वती संग गुलाल की होली खेलते हैं, इसलिए इसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं।